प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदर हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या बायरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या बायरवी चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। पिक्चर का नाम है दरबार। जैसल ये पिक्चर तमिल पिक्चर है। इस पिक्चर को हिंदी में डबिंग करके रिलीज किया गया है इस पिक्चर को। बाकी पिक्चर ठीक है, एक बार देखने लायक है। जैसल क्योंकि रजनीकांत का पिक्चर है, डायरेक्टर साउथ इंडिया के फेमस स्टार और एशिया के सेकेंड हाईएस्ट पेड एक्टर रजनीकांत इस पिक्चर में हीरो के रोल किए हैं। हीरो की नहीं बल्कि हीरो एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक बाप के रोल किए हैं। दरअसल पिक्चर जो है, पिक्चर के जो डायरेक्टर जो है हमारे एआर मुरुगदास, जो इंडिया के काफी फेमस डायरेक्टर से एक डायरेक्टर है एआर मुरुगदास। इन्होंने काफी एक दो हिंदी पिक्चर भी इन्होंने डायरेक्ट कर चुके हैं, पर इस पिक्चर को इन्होंने डायरेक्ट किया है। दरअसल पिक्चर में कहानी नाम की कोई चीज है नहीं, बल्कि अगर आप रजनीकांत के फैन हैं, अगर आप पिक्चर देखना चाहते हैं, आप रजनीकांत को देखना चाहते हैं, रजनीकांत के स्टाइल देखना चाहते हैं, इस उम्र में भी 65 की उम्र में भी रजनीकांत एक एक्टर की तरह देखना चाहते हैं और एक डांस करते हुए देखना चाहते हैं और उनका एक्टिंग देखना चाहते हैं, उनके डायहार्ड फैन हैं, तो आप ये पिक्चर आप देखना पसंद करेंगे अगर आप रजनीकांत को देखना चाहते हैं तो। जैसा कि पिक्चर में कोई कहानी नाम की चीज है नहीं, बस सिंपल से एक स्टोरी है कि एक पुलिस वाला होता है, एक विलन होता है, एक ड्रग माफिया होता है और इस तरह चलता है। और ड्रग माफिया जो होता है उसकी पुलिस वाले जो हमारे रजनीकांत है उनकी बेटी को मार देते हैं। जैसे स्टोरी इस तरह होता है, हमेशा की तरह एक रजनीकांत का पिक्चर हो तो सारे एक एंट्री होता है, उसी तरह हर पिक्चर की तरह एक एंट्री होता है, फाइट सीन होता है, एक पुलिस वाले के गुंडागर्दी की तरह सबको मार गिराते हैं। जैसे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तरह सारे जितने भी ड्रग माफिया होते हैं उनको मार गिराते हैं, इस तरह होता है। और शुरुआत में फिर जो उसमें प्रतीक बाबर जो सुनील शेट्टी के बेटे का रोल कर रहे हैं, प्रतीक बाबर इस पिक्चर में उन्हें मार गिराते हैं, फिर इस तरह जाता है। फिर उनपे ह्यूमन राइट कमीशन पड़ता है तो उन्हें एक कमरे में बंद करके उनसे मजबूर कराते हैं ह्यूमन राइट कमीशन वाले को कि आप इस तरह लिखेंगे और साइन करेंगे करके, मैं साइन करूंगा, इस तरह कराते हैं। तो गाड़ी में जाते हुए ह्यूमन राइट कमीशन में उनकी फ्लैशबैक सोच के देखते हैं। जैसा इस तरह होता है कि पहले न्यू दिल्ली से यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं मुंबई में, मुंबई पुलिस में चार्ज लेते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि 27 साल पुराना एक डॉन जो सुनील शेट्टी जो काफी बड़े डॉन के रोल कर रहे हैं वो आते हैं, उन्होंने पुलिस वाले का मजाक बना के रखा, उन्होंने पुलिस वाले को जिंदा जला दिया, सबसे कोई पुलिस पे विश्वास नहीं करता और पुलिस की नौकरी करने से लोग डरते हैं, इस तरह करके उन्हें बताया जाता है। फिर वो चार्ज लेते हैं और मुंबई आते हैं। तो मुंबई आते जितने भी सबके लिस्ट निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुंबई में डिप्टी से चीफ मिनिस्टर की बच्चों को, बेटियों को, उनके दोस्तों को किडनैप किया गया है। फिर वो पता लगाते हैं कि वो एक प्रतीक बाबर है, फिर उन्हें मार गिराते हैं, फिर उसे बदला लेने फिर निकलते हैं सुनील शेट्टी, और सुनील शेट्टी के साथ इनका झगड़ा होता है और सुनील शेट्टी उनकी बेटी जो रजनीकांत की बेटी नविता थॉमस जो उनकी बेटी की रोल की है उन्हें मार देते हैं और फिर उन्हें बदला लेते हैं। सिर्फ अपना कर्तव्य भी निभाते रजनीकांत और साथ में अपनी बेटी का बदला भी लेते हैं। क्लाइमैक्स सीन में सुनील शेट्टी को कहते हैं कि तुमने तो मेरे बेटी को मार गया जिसमें उसने गलती नहीं की, जबकि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा उसने इतनी बड़ी गलती की है। तो इस तरह उन्हें बताते हैं और इस तरह क्लाइमैक्स पिक्चर एंड होता है। पिक्चर की स्टोरी में कुछ दम नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है और सुनील शेट्टी की पूरी बायोग्राफी निकालता है कि कौन है, क्या है, जितने भी विदेश में जितने भी उन्होंने कारनामे किए सारे इंटरनेशनल पुलिस विदेशों से वीडियो कॉलिंग की बात करते हैं, फिर इस तरह चलता है। फिर नयनतारा एक्ट्रेस जो एक साउथ इंडियन स्टार एक्ट्रेस कैसे कहलाती है जो तमिल तेलुगु मलयालम में और कन्नड़ में भी, पर इन पिक्चर में उनका कुछ खास इस्तेमाल नहीं, उनका खास रोल ही नहीं है, बल्कि जब उन्होंने इस पिक्चर में उन्होंने कुछ खास रोल किया ही नहीं है, जबकि बस उनका बस इस्तेमाल किया गया है एक दो सीन के लिए, दो चार सीन के लिए आती है, बस चले जाती है। पिक्चर में कुछ दम है नहीं। अगर आप गाने हैं ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि डबिंग किया गया है। अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो आप देखना पसंद करेंगे। और बाकी इस पिक्चर में कुछ है नहीं, स्टोरी तो कुछ है नहीं। हाँ, मुंबई पुलिस के बारे में एकदम क्लियर कट बताया, उनका यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड, उनका जो कार ग्रेड के हिसाब से जो यूज करना चाहिए वो कार काफी अच्छा प्रेजेंट किया गया है। अगर आप पुलिस वाले हैं तो फिर आप देखना जरूर पसंद करेंगे, और अगर आप रजनीकांत के फैन हैं तो बस आप देखना पसंद करेंगे। लाइका प्रोडक्शन में बैनर में रिलीज हुई है इस पिक्चर। देखते हैं आप जब कितना नाम कमा पाती है और कितने पैसे जमा पाती है बॉक्स ऑफिस में। मैं तो 5 स्टार में इसको 3 स्टार दूंगा, वो भी रजनीकांत की एक्टिंग और डांस के लिए इस उम्र में। बाकी ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप अपना टाइम पास करना चाहते हैं सैटरडे संडे तो आप जाके देख सकते हैं थिएटर में इस पिक्चर को।
बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्याभैरवी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सत्याभैरवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ कमेंट कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।